राष्ट्रमंडल खेल अर्थात कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आगाज आज इंग्लैंड के खूबसूरत शहर बर्मिंघम में होने जा रहा है। आज के उद्घाटन समारोह से संबंधित कुछ खास बातें हम आपको यहां बताने जा रहे हैं, जो सभी के लिए जानना बेहद ही आवश्यक है। नीरज चोपड़ा की अनुपस्थिति में भारतीय दल की अगुवाई आज कौन करेंगे? यह समारोह भारतीय समय अनुसार कितने बजे आरंभ होगा? भारत में इस समारोह को किन किन टीवी चैनलों पर आप देख सकते हैं और फिटनेस वाले फ्री में इस समारोह को लाइव किस चैनल पर देख सकते हैं? इन सभी बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास में पहली बार भारत ने 1934 में हिस्सा लिया था। उस समय इस खेल का नाम हुआ करता था ब्रिटिश अंपायर गेम्स। तब से लेकर अभी तक भारत ने कुल 17 बार इस खेल में हिस्सा लिया है और अभी तक इस खेल में कुल 503 पदक जीते हैं, जिसमें 181 स्वर्ण पदक है। भारत का इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम में था, जब भारतीय खिलाड़ियों ने 101 पदक जीते थे, जिसमें 38 स्वर्ण पदक था और भारत इस बार पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया था। आज का उद्घाटन समारोह इंग्लैंड के बर्मिंघम में अलेक्जेंडर स्टेडियम में होगा, जो भारतीय समय अनुसार रात्रि 11:30 बजे आरंभ होगा। इसे आप भारत में लाइव सोनी नेटवर्क के चैनल सोनी 101, सोनी 102, सोनी 103 और सोनी 104 के साथ साथ सोनी 6 पर भी इसे देख सकते हैं। लेकिन फ्री डिश वाले भी चिंता न करें, क्योंकि फ्री डिश डीडी स्पोर्ट पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसलिए आप फ्री में डीडी स्पोर्ट पर उद्घाटन समारोह को लाइव देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मोबाइल पर इस समारोह को देखना चाहते हैं, तो सोनी लिव ऐप पर इस समारोह को आप लाइव देख सकते हैं। आज नीरज चोपड़ा की अनुपस्थिति में भारतीय दल के ध्वजावाहक होंगे ओलंपिक पदक विजेता और स्टार महिला शटलर पीवी सिंधु। कॉमनवेल्थ गेम्स से संबंधित सभी अपडेट हमारे इस चैनल पर आपको हर पल मिलते रहेंगे, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।